हम किस तरह से टॉप राइट में हम केवाईसी फिलअप करते हैं। सबसे पहले अपना आईडी खोलिए और उसमें जाके ऊपर एक वाइट कलर का आइकन है, इस पर क्लिक कीजिए। वाइट कलर का, इस पर क्लिक करने के बाद में एक स्लाइड खुलेगा। स्लाइड खुलने के बाद में आपको सेकंड नंबर पे ये जो ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे देखिए आपको केवाईसी नज़र आ जाएगा लिखा हुआ, इस पर क्लिक कीजिए। चार ऑप्शन खुलेंगे अलग अलग तरह के, यहाँ पे आपको फिलअप करने होंगे। ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट अपडेट योर इमेज, इस पर क्लिक कीजिए। गैलरी में मौजूद जो आपका इमेज होगा उसको आपने यहाँ से अपलोड कर लेना है। कोशिश कीजिए जो फ़ोटो है वो आपका 1 MB से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे सेकेंडली आपने जो है सिग्नेचर का एक फ़ोटो मांगा गया है वो भर दीजिए। अगर 1 MB से बड़ा आपका फ़ोटो होता है तो आपने जो है उसको प्ले स्टोर में काफ़ी ऐसे एप्लीकेशन हैं जो कि बड़ी फ़ोटो को छोटा करने में मदद करते हैं, उसके रेजोल्यूशन को कम करते हैं, इसको अपडेट कर दीजिए। इसके बाद में अपडेट करने के बाद में अपलोड होने के बाद यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन आपको आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये ग्रीन कलर का सिग्नल आना चाहिए जो ऊपर लगा हुआ है एरो। इसके बाद अपडेट आईडी प्रूफ में जाइए, यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है आपका आधार कार्ड, और यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर भरना है आपने। आधार कार्ड का नंबर भरने के बाद में एक चूज़ फाइल ऑप्शन आएगा, उसमें आधार कार्ड की जो है आपने फ्रंट जो है पहले फ़ोटो भर देनी है, यहाँ पे अवेलेबल है, फ्रंट फ़ोटो भर दिया। फिर उसके बाद में सेकंड ऑप्शन में आधार कार्ड का बैक साइड का फ़ोटो भर देना है। आधार कार्ड का नंबर हो गया, उसका आधार कार्ड का फ्रंट फ़ोटो, फिर उसके बाद में आधार कार्ड का जो है आपने बैक साइड का फ़ोटो भर देना है। यहाँ पे आपने आधार कार्ड का बैक साइड फ़ोटो भर देना है और इसके बाद जो है अपडेट, इसको क्लिक कर दीजिए। अपडेट होने के बाद में ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए सारी जो है टर्म्स पूरी होने पे ग्रीन सिग्नल। फिर उसके बाद पैन कार्ड नंबर भरना है, यहाँ पे सबसे पहले पैन कार्ड नंबर भरिए। पैन कार्ड नंबर भरने के बाद में डेट ऑफ बर्थ भर दीजिए। डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद जो है आप चूज़ फाइल में जाइए और पैन कार्ड का जो है यहाँ पे फ़ोटो आपने ऐड कर देना है जो कि हमारी गैलरी में अवेलेबल है। हो गया, फिर इसके बाद में अपडेट दबा दीजिए। इस तरह से हमारा जो है एक और ऑप्शन हम कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद में हमारे पास रहेगा एक और ऑप्शन जो कि हमने कंप्लीट करना है केवाईसी में। यहाँ पे देखिए लास्ट बैंक अकाउंट को, बैंक अकाउंट को करने के लिए सबसे पहले हम जो है अपनी कैंसिल चेक या पासबुक का फ़ोटो भर देंगे यहाँ पे। यहाँ पे पासबुक का फ़ोटो हो गया और इसके बाद में अकाउंट होल्डर नेम भर देंगे, अकाउंट नंबर भर देंगे, IFSC कोड, बैंक नेम और ब्रांच नेम, सारी जानकारी भरने के बाद में हम अपडेट कर देंगे। और अपडेट होने के बाद जो है हमारा ऑप्शन इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा KYC का। मल्टीपल अगर आपकी आईडीज़ है, एक से ज़्यादा आईडीज़ है, तो हर आईडी में जाइए और अपना जो है KYC जाके वहाँ पे आप भर सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो है KYC यहाँ पे कंप्लीट शो हो जाएगा। और एंड में जब आपका KYC इस तरह से चारों पे ग्रीन सिग्नल आ जाते हैं तो लास्ट में क्या करना है, प्रोसीड क्लिक कर देना है। प्रोसीड क्लिक करने के बाद में आपका KYC इस तरह से एडमिन अप्रूवल के लिए चला जाएगा। इसी तरह से आप सभी IDs के KYC पूरे कर सकते हैं टॉप राइट में। धन्यवाद।